अब हम लोग व्यतिकरण के इस भाग में जो दो तरंगों के बीच व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता की व्याख्या हम लोग पथांतर के आधार पर करते हैं। तो पथांतर के आधार पर अभी हम लोगों ने कलांतर के आधार पर की थी। पथांतर के आधार पर हम लोग व्याख्या करने के लिए पहले हम लोग कलांतर और पथांतर के बीच संबंध समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई तरंग यक्ष अक्ष की दिशा में संचरित होती है, जिसका कोणीय आवृत्ति जिसकी 2π n है, n आकृति हो गई, और जिसकी तरंग संख्या k बराबर 2π बटे लैम्डा रेडियन प्रति सेकंड और रेडियन प्रति मीटर की मात्रक होते हैं। और इससे अगर तरंग की चाल देखी जाए तो v बराबर ओमेगा अपॉन k होती है, जो कि आ जाती है n लैम्डा। तो ये तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो हम लोग जानते हैं कि माध्यम के समस्त कण कंपन करने लगते हैं, सरल आवर्त गति से कंपन करने लगते हैं, और समय के साथ हर एक कण की कला बदलती रहती है। साथ ही अगर एक ही समय पर हम दो कणों को देखें तो उनकी भी कला में अंतर होता है, अर्थात उनके बीच भी कलांतर होता है। तो इस तरंग के संचरित होने पर यदि इसका आयाम हम a मान लें, तो इस तरंग के संचरित होने पर मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण का किसी क्षण t पर जो परिणामी में वो जो विस्थापन होगा वो y बराबर लिखा जाता है e sin ओमेगा t माइनस kx, ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो साइन का पूर्णांक होता है इसको कहते हैं कण की कला। तो कण की कला ओमेगा बराबर हो जाएगा i बराबर हो जाएगा ओमेगा t माइनस kx। ये मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी समय किसी क्षण t पर कण की कला। अब यदि हम ये किसी कण की बात करें, मान लीजिए जो कण मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है और किसी क्षण t1 पर इसकी कला phi1 है, तो phi1 बराबर लिखेंगे ओमेगा t1 माइनस kx, क्योंकि x नहीं बदल रहा। फिर थोड़ी देर बाद इसकी कला देखी जाए इसी कण की, यानी मूल बिंदु से स्थित x दूरी पर क्षण t2 पर कला देखी जाए, तो मान लेते हैं phi2 है, तो phi2 बराबर हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस kx। अब इस समय अंतराल में जो कण का कलांतर होगा उसको लिखा जाएगा phi2 माइनस phi1 बराबर हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस kx माइनस ओमेगा t1 प्लस kx। kx कट जाएंगे तो यह आ जाएगा, इसको कलांतर को हम लोग डेल्टा फाई से लिख दें तो डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा ओमेगा ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन, इसको हम लिख सकते हैं 2π बटे कैपिटल टी, जहाँ टी आवर्त काल है, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो ये है कलांतर और समांतराल के बीच संबंध। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है यदि डेल्टा टी बराबर कैपिटल टी हो एक आवर्त काल के बाद तो टी टी कट जाएगा 2π कलांतर होगा, और जब 2π कलांतर होता है तो हम जानते हैं समान कला में कण कंपन करता है। तो इस तरह से एक आवर्त काल के बाद कण फिर उसी कला में कंपन करने लगता है। तो ये हुआ समांतराल के साथ। अब हम लोग पथांतर के टर्म में समझते हैं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई कण मूल बिंदु से x1 दूरी पर स्थित है, तो उसकी कला किसी क्षण t पर phi1 है, तो लिखेंगे ओमेगा t माइनस kx1। और इसी क्षण t पर ही करके हम किसी कण इसको जो मूल बिंदु से x2 दूरी पर स्थित है इस कण की कला देखें, तो मान लेते हैं phi2 है, तो phi2 बराबर लिखा जाएगा ओमेगा t माइनस kx2। तो इस तरह से दोनों कणों के बीच कलांतर हो जाएगा phi2 माइनस phi1 बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू फिर एक्स वन सॉरी ओमेगा टी कट जाएंगे, और इस तरह से जो हम कलांतर आएगा डेल्टा फाइव बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा के कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी दोनों कणों के बीच की दूरी। ये एक्स वन माइनस एक्स टू को हम अंतर में लेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं डेल्टा फाइव बराबर 2π बटे लैम्डा के की जगह इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को बोलते हैं कणों का पथांतर, यानी दोनों कणों के बीच की दूरी।
यानी कल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है वो डेल्टा एक्स कहलाती है। तो ये कहलाता है दोनों कणों का पथांतर। तो अब ये कहलाता है कलांतर और पथांतर। तो कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। अब यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो यदि हम डेल्टा एक्स को जीरो ले लें, डेल्टा एक्स बराबर जीरो, तो डेल्टा फाई आ जाएगा जीरो। यानी अगर एक ही कण की बात करें तो पथांतर जिनके बीच का जीरो हो तो एक ही कण की बात हो रही तो कलांतर भी जीरो होगा। और अगर हम डेल्टा एक्स बराबर ले लें लेमडा, तो लेमडा लेमडा कट जाएगा तो कलांतर 2π आ जाएगा। लेमडा 2λ ले लें तो यहाँ पर 4π आ जाएगा। इस तरह से अगर एम लेमडा ले लें तो ये 2m π आ जाएगा। अर्थात जिन कणों के बीच कलांतर लेमडा का समगुणज होता है, सॉरी पूर्ण गुणज होता है, लेमडा का पूर्ण गुणज 1, 2, 3, 4 में चलता है, लेमडा का पूर्ण गुणज होता है, उन तरंगों के बीच जो कलांतर होता है वो पाई का समगुणज होता है। अर्थात लेमडा दूरी पर स्थित कण सदैव समान कला में ही कंपन करते हैं, यानी समान कला में होते हैं। तो अब हम लोग व्याख्या करते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की तरंग है लेमडा। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कोई तरंग स्रोत एस है और इससे कोई तरंग माध्यम में संचरित होती है, या सॉरी S1 S2 दो तरंग स्रोत ले लिए, दो तरंग स्रोत मान लेते हैं S1 S2 है, और इन दोनों तरंग स्रोतों से समान आवृत्ति की लगभग समान आयाम की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं। तो यदि हम माध्यम में कोई ऊर्ध्वाधर इस तरह से तल लें तो इन दोनों के लंबाधर बिंदु O पर देखा जाए तो इस तरंग द्वारा S1 से निकलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी S1 होगी और S2 स्रोत से चलने वाली तरंग द्वारा चली गई दूरी S2 होगी। तो इस प्रकार O पर पहुँचने पर दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स बराबर वो लिखा जाएगा S2O-S1O बराबर जीरो हो जाएगा। तो जब पथांतर जीरो होगा तो कलांतर आ जाएगा जीरो, अर्थात दोनों जो तरंगे हैं वो ऊपर समान कला में मिलेंगी, अर्थात एक प्रसंग दूसरे के संग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा और संपोषी व्यतिकरण होगा। तो ऊपर संपोषी व्यतिकरण होगा। तो इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर तल में हम एक ऊर्ध्वाधर के किसी बिंदु O पर देखें तो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा अगर दोनों तरंगों के बीच पथांतर नहीं है। अब हम कोई पॉइंट यहाँ पर Q ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो P पर S1 से चलने वाली तरंग S1 की दूरी तय करेगी, S2 से चलने वाली तरंग S2 की दूरी चलेगी। तो P पर पहुँचने पर दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर होगा वो S2P-S1P के बराबर होगा। और हम मान लेते हैं कि ये λ/2। तो जब λ/2 होगा अगर इन दोनों के बीच का पथांतर, तो डेल्टा फाई बराबर जो आएगा वो 2π/λ × λ/2 अर्थात पाई आएगा। तो जब पाई आएगा अर्थात दोनों तरंगें बिंदु P पर विपरीत कला में पहुँचेंगे, एक का संग दूसरे के गर्त के साथ मिलेगा और परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, अर्थात बिंदु P पर यहाँ पर कलांतर λ/2 होने पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो P पर विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, P पर विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम और पॉइंट कोई ले लें यहाँ पर, ये Q पॉइंट ले लें यहाँ पर, तो अब बिंदु Q पर दोनों तरंगों के पहुँचने पर जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा S2Q-S1Q। और इसको अगर हम लोग लेमडा ले लें पूरा एक तरंगदैर्ध्य के बराबर ले लें तो यहाँ पर जो डेल्टा फाई आएगा और डेटा फाई बराबर हो जाएगा 2π/λ × λ × 2π आएगा। तो इसका अर्थ होगा कि फिर से दोनों तरंगें के ऊपर समान कला में मिलेंगी, तो के ऊपर फिर से परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, यानी फिर से संपोषी व्यतिकरण होगा। तो इस प्रकार से ऊपर संपोषी व्यतिकरण, फिर विनाशी व्यतिकरण, फिर संपोषी व्यतिकरण। तो इस तरह से समान दूरी पर हम लोगों को परिणामी तीव्रता अधिकतम न्यूनतम अधिकतम इस प्रकार एकांतर क्रम में प्राप्त होती जाती है। तो इस तरह से हम लोगों का संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन देखा कि पथांतर जीरो, लेमडा यानी पथांतर अगर डेल्टा एक्स बराबर जीरो है, लेमडा है 2λ है, 3λ है,
तो जो कलांतर होता है डेल्टा फाई वो होता है 0, 2 पाई, 4 पाई एंड डॉट डॉट, यानी 2m पाई कह सकते हो, यहाँ पर m पाई कह सकते हो, m लैम्डा। तो इस तरह से इस कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण होता है। तो ये संपोषी व्यतिकरण की घटना है। अब दूसरा पॉइंट है विनाशी व्यतिकरण वाला। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर अगर लैम्डा बाई टू है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, यानी लैम्डा का विषम गुणज है, यानी 2m-1 लैम्डा बाई 2 है, जहाँ पर m बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जो डेल्टा फाई आएगा वो आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी आ जाएगा 2m-1 पाई। तो इस कंडीशन में दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलेंगे और विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विनाशी व्यतिकरण की ये शर्त है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यतिकरण को घटना, व्यतिकरण की घटना को कलांतर और पथांतर दोनों के टर्म में सीखा कि कब कलांतर कितना होने पर संपोषी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण कब होता है। तो ये समझ लीजिए।